मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना सिटी का दौरा कर गुरु का बाग स्थित बिहार सरकार द्वारा 58 करोड़ की लागत से बनाए गए बहुउद्देशीय प्रकाश पुंज भवन तथा यात्रियों के ठहरने के लिए 15 करोड़ की लागत से बनाए गए पंजाब भवन का निरीक्षण किया। इस मौके पर जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह, एसडीओ मुकेश रंजन समेत कई प्रशासनिक पदाधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने बहुउद्देशीय प्रकाश पुंज भवन और पंजाब भवन के निरीक्षण के दौरान यहां की सुरक्षा व्यवस्था पर प्रशासनिक पदाधिकारियों से बात की, साथ ही कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया। उन्होंने कहा कि यह प्रकाश पुंज गुरु महाराज के 4 पुत्रों के नाम से बनाया गया है। इस प्रकाश पुंज में 4 दरवाजा है और इसमें सिख धर्म के सभी गुरुओं का इतिहास को जानने एवं समझने के लिए एक म्यूजियम बनाया गया है, जिससे देश विदेश से आए श्रद्धालु गुरु महाराज के इतिहास को समझेंगे। यह वास्तविक में धरोहर है। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।